भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्लेशियर में 18,000 फीट ऊंचाई पर फंसे एक हेलीकॉप्टर को रिकवर कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। सेना के पायलट और तकनीकी अधिकारियों ने सफलतापूर्वक ग्लेशियर में फंसे हेलीकॉप्टर को रिकवर किया है। पिछले 11 महीनों से फंसे हेलीकॉप्टर को जवानों की मदद से सुरक्षा पूर्वक सियाचिन बेस कैंप लाया गया है। इसी साल की शुरुआत में HAL ध्रुव नाम का हेलीकॉप्टर 74 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में गश्ती पर था, तभी इसमें खराबी आ गई थी और इसे पास के खांडा नाम की पोस्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पायलट हेलीकॉप्टर को बर्फ पर लैंड कराने में सफल रहा था, लेकिन वो उसे हेलीपैड तक नहीं पहुंचा सका था। इसके बाद पूरी रात हो रही बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर खराब हो गया। सेना ने इसे रिकवर करने के प्रयास शुरू किए, लेकिन जुलाई तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली। पहली सफलता जुलाई के आखिरी सप्ताह में मिली, जब सेना के पायलट और तकनीकी कर्मचारियों की एक टुकड़ी उसके कुछ हिस्सों को दुरुस्त करने और नए पार्ट्स डालने में सफल हुई। इसके बाद इसे सफलतापूर्वक सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप लाया गया। आर्मी के पूर्व एविएशन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल PK भराली ने बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल पायलट और तकनीकी अधिकारियों को वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि 18,000 फीट की ऊंचाई से इस हेलीकॉप्टर को रिकवर करना अपनी तरह का विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले चीता और चेतक भी 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। चेतक और चीता में फ्रांस की मशीनें हैं, यहाँ तक कि फ्रांस भी इतनी ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल नहीं करता है, जहाँ गलती करने की संभावना न के बराबर होती है। आपको बता दें कि ध्रुव हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसका उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी किया गया था। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जब पाकिस्तान के 7 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला बोला था, तब ध्रुव ने अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि ध्रुव सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य हेलीकॉप्टरों जैसे चीता और चेतक से अधिक महत्वपूर्ण है, और जल्द ही पोल स्टार हेलीकॉप्टर मॉडल इन मॉडलों को बदलने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक में उपयोग किए जाने वाले ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को अधिक मात्रा में भारतीय सेना प्रयोग में लाने की योजना बना रही है। इसे हाई अल्टीट्यूड पर किसी भी स्थिति में उड़ने का सक्षम बनाया गया है। HAL के मुख्य पायलट उन्नी नायर ने बताया कि ध्रुव एक समय में कई तरह के काम कर सकता है, जैसे पॉलिसिंग, शहरी इलाकों में नजर रखने के साथ साथ ये मेडिकल एम्बुलेंस के भी काम आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।